नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। चलिए चलते हैं, आज के लिए एक से वीडियो लेके आए हैं जो आपको इस प्रकार से, आपको अगर इस तरह से दिखा रहा होगा बेनिफिशियरी सूची, नए बेनिफिशियरी सूची लोड करके करने के लिए कृपया पहले से बेनिफिशियरी किए गए डाटा को सर्वर से अपलोड करें। तो देखिए, हमको इस प्रकार से आपको दिखा रहे हैं कि नए बेनिफिशियरी फिर से अपलोड करने के लिए दिखा रहा है। तो आप इस प्रकार से हम चेक कर रहे हैं तो मेरा लाभार्थी नहीं दिखा रहा है, या जनवरी या दिसंबर का हम इस प्रकार से हम आपको अपलोड करके भी दिखा दे रहे हैं और यहाँ पे फिर भी हमको इस तरह से हमको दिखा रहा है नई बेनिफिशरी सर्वर पे बता रहा है कि डाटा अपलोड करें। तो हम दिखा दे रहे हैं आपको कि किस प्रकार से आपको ये ठीक होगा। तो आप देखते रहिए हमारे वीडियो को। हम लॉग आउट करके दिखाते हैं सही होता है या नहीं। तो हम ये लॉग आउट करके दिखा रहे हैं। तो हम यहाँ पर आंगनबाड़ी सेलेक्ट किए हैं, अपना यूजर आई डी हम अपना डाल रहे हैं। इस प्रकार से मेरा ये यूजर आईडी है, हम अपना यूजर आईडी डाल लेते हैं। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से, तो लॉग आउट हम मारें और अपना यूजर आईडी डालें और उसके बाद हम ओटीपी डालें, उसके बाद लॉगिन किए हैं। करने के बाद फिर से हम घुस रहे हैं और फिर से हम उस पर क्लिक कर रहे हैं नए बेनिफिशरी लोड पर, और सिंक भी मार के बता दिए आपको इस प्रकार से, फिर भी नहीं दिखा रहा है नए बेनिफिशरी। आपको अंदर में भी घुस के देख रहे हैं, अंदर में भी आपको दिखा दे रहे हैं कि देखिए यहाँ से भी अपलोड हम कर रहे हैं तो मेरा नहीं दिखा रहा है, नोट रिकॉर्ड फंड बता रहा है। यहाँ पे हम सर्वर भी लोड, तो क्या करना है कि इसको थोड़ा देर तक के प्रेस करना है और यहाँ पे ऐप इन्फॉर्मेशन में जाना है। जाने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको नीचे दिया गया स्टोरेज पर क्लिक करना है और यहाँ पे क्लियर पे क्लिक कर देना है सबसे पहले। उसके बाद आपको क्या करना है कि अगर क्लियर नहीं हो पाया तो यहाँ पर क्लियर स्टोरेज, तो आपको क्या करना है कि क्लियर स्टोरेज पे आपको करना है क्लिक। करने के बाद आपको ओके कर देना है इस प्रकार से, और उसके बाद देखिए कि यहाँ पे सभी क्लियर हो गया डाटा, तो इसको बैक कर लेना है और फिर से अपना ऐप को खोलते हैं। खोलने के बाद आपको देखते रहिए हमारे वीडियो को। इस प्रकार से हम अपना ऐप को खोल रहे हैं, तो थोड़ा सा वेट कीजिए और यहाँ पे अलाउ कर देना है। इस प्रकार से अलाउ करते जाना है। करने के बाद आपको फिर से आपको यहाँ पे अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना है आपको। तो चलिए हम डाल लेते हैं अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड। इस प्रकार से हम अपना यूज़र आईडी डाल रहे हैं। देखते रहिए हमारे वीडियो को। चलिए देखिए मेरा यहाँ पर ओटीपी अपना डाल ले रहे हैं हम, अपना जो ओटीपी है मेरा, जो ओटीपी हम डाल लेते हैं और उसके बाद लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद इसमें घुसे हैं। घुसने के बाद आपको यहाँ पे सिंक्रोनाइज करते हैं, उसके बाद फिर नए बेनिफिशरी पर क्लिक किए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिसंबर माह का गेट रिकॉर्ड पे क्लिक करते हैं। तो इस प्रकार से मेरा लिस्ट यहाँ लाभार्थी डाटा सफलतापूर्वक सिंक्रोनाइज हो गया है और यहाँ पर कैंसिल करना है। करने के बाद फिर से आप ओटीपी सत्यापन में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर रिकॉर्ड दिखना है। यहाँ पर मान लें कि हम दिसंबर माह का देख रहे हैं, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि मेरा आ चुका है दिसंबर माह का जितना भी लाभार्थी है, जैसे में हम दिखा दे रहे हैं कि आपको कितना मेरे पास लाभार्थी है। तो देखते रहिए हमारे वीडियो को किस प्रकार से आपको को करना है। तो देखिए हमको यहाँ पे दिखा रहा है टोटल लाभार्थी, तो मेरा टोटल लाभार्थी यहाँ पर 185 है इस प्रकार से दिसंबर माह में, और जनवरी माह में हम आपको दिखा दे रहे हैं कि कितना है। तो यहाँ पे दिखा रहे हैं कि आपको जनवरी में किस प्रकार से मेरा लाभार्थी है बचा हुआ अभी भी। तो देखते रहिए हमारे वीडियो को किस तरह से हम अपना 176 और यहाँ पे सर्वर 2 years कर दे रहे हैं, यहाँ पे डाटा कोई रिकॉर्ड नहीं है। इस प्रकार से आप अपना चेक कर सकते हैं, अपना जो भी प्रॉब्लम है वो अपना दूर कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और लाइक करिए। हमारे YouTube में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए इस तरह से। थैंक यू। हमारे YouTube में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।